बिलासपुर में 24 व्यापारियों से 42 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी व्यापारी ने पहले अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर व्यापारियों का भरोसा जीत लिया, फिर व्यापारियों से लाखों रुपए का सामान लेकर गायब हो गया। पुलिस ने आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। चिरमिरी नगर निगम के आयुक्त पर एक महिला कर्मी ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कई दिनों से एक महिला कर्मचारी से आयुक्त जबरदस्ती अपने बंगले में कपड़े धोने से लेकर बर्तन मांजने और खाना बनाने का काम करवा रहे थे। इस बात से तंग आकर महिला कर्मचारी ने काम करने से मना कर दिया। सारंगढ़ में रेत का अवैध उत्खनन महानदी से किया जा रहा है, जहां रेत माफिया बिना रॉयल्टी के रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हाईवे के जरिए नदी का सीना चीर कर रेत उत्खनन में लगे हुए हैं। महानदी से रोजाना रेत का अवैध उत्खनन का खेल लगातार जारी है। सक्ती रियासत के वर्तमान राजा धर्मेंद्र सिंह पर बेहद संगीन आरोप लगा है। आरोप है कि राजा धर्मेंद्र सिंह ने अपनी नजदीकी महिला रिश्तेदार के साथ अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम दिया है। बिलासपुर में कांग्रेस जिला सचिव के घर गुरुवार को दिन दहाड़े डकैती हो गई। हथियार लेकर घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने महिलाओं को बंधक बना दिया और बंदूक दिखाकर अलमारी में रखे गहने और नकदी लेकर भाग निकले। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में ट्रेलर और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके चलते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मोबाइल फोन में महिला पुलिस अधिकारी पर अश्लील टिप्पणी एवं गाली लिखकर वायरल करने वाले महासमुंद के थाना खल्लारी में पदस्थ आरक्षक कृष्ण कुमार भोई को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। रायपुर की थाना खमतराई पुलिस ने अलग अलग कंपनियों के नाम का नकली इंजन ऑयल तैयार कर बिक्री करने वाले आरोपी राकेश पिंजवानी को गिरफ्तार कर विभिन्न कंपनियों के 22,500 नग डुप्लीकेट स्टिकर, इंजन ऑयल से भरा 5 ड्रम, 9 ड्रम आधा भरा हुआ सहित लगभग 4,83,000 रुपए के सामान जब्त किए हैं। कोरबा कोतवाली पुलिस ने इमली डुग्गू गौमाता चौक कोरबा के पास घेराबंदी कर पिकअप वाहन एवं छोटा हाथी वाहन को पकड़कर उसमें रखे लोहे की पाइप, लोहे को काटने में प्रयुक्त 2 नग ऑक्सीजन सिलेंडर व 2 नग घरेलू सिलेंडर, 2 नग गैस रिडक्टर एवं 2 नग गैस कटर जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले के खैरबार निमहा उदयपुर समिति में दिन भर धान जब्ती की कार्रवाई के बाद रात को सीतापुर के ढेलसरा गांव में एक किराना दुकान से 1100 बोरी धान जब्त किया गया है। इसे अवैध तरीके से संग्रहित कर रखा गया था। कोरबा जिले के दीपका खदान के साइलो व सीएचपी से निकाले गए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने समेत अन्य मांगों को लेकर मजदूरों व ग्रामीणों ने आमरण अनशन के साथ श्रमिक चौक में पंडाल लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगर पालिका डोंगरगढ़ में सहायक खाद अधिकारी आशीष रामटेके और नायब तहसीलदार भूपेंद्र नेताम द्वारा किराना दुकानों में आकस्मिक जांच की कार्रवाई कर बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचना पाया गया, जिसके विरुद्ध दुकान सील बंद की कार्रवाई की गई। चिटफंड कंपनी फाइनेंस इंडी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सईद अहमद और दिवाकर सिन्हा को सूरतपुर से प्रोडक्शन वारंट में बालोद लाकर गुरुवार को देवरी पुलिस ने कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। गुरुवार को राजनांदगांव अंतरगढ़ मुख्य मार्ग पर 2 बाइक के टकराने से बाइक चालक दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देवरी थाना से कुछ दूरी पर ढाबा के पास हुई। सुकमा जिले में चोरों ने दिन दहाड़े मंदिर से शिवलिंग की चोरी की, फिर शिवलिंग को झाड़ियों में ले जाकर छिपा दिया।
जब पुलिस को खबर मिली तो 2 घंटे के अंदर शिवलिंग को ढूंढ निकाला गया, जिसके बाद पूरे विधि विधान से शिवलिंग की फिर से मंदिर में स्थापना की गई। कांकेर जिले के जिस राजघाट परियोजना का क्षेत्रवासी वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब जब वो प्रारंभ होने की स्थिति में आया तो बीएसपी प्रबंधन द्वारा अंतागढ़ को प्राथमिकता ना देने से नाराज क्षेत्र के युवाओं ने गोल्डन चौक में बीएसपी प्रबंधन का पुतला दहन किया। शादी समारोह से लौट रहे शिक्षक को अज्ञात वाहन चालक ने शहर में घड़ी चौक के पास लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होने पर शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक की दुकानों के सामान तय से अधिक कीमत पर विक्रय किए जाने की शिकायत पर टीम ने बागबहरा एवं आसपास गांव की दुकानों की जांच कर नाप तौल विभाग और स्थानीय निकाय ने 6,000 रुपए का जुर्माना किया है। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद से सटे ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के सोनाबेड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराने और 5 से अधिक के घायल होने का दावा किया है। राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा गांव में 30 वर्षीय ग्रामीण की हत्या कर दी गई। हत्या किन कारणों से हुई और हत्या किसने की, पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है, लेकिन स्थानीय लोग इस घटना को नक्सली वारदात से जोड़कर देख रहे हैं। कैंप 2 संत रविदास नगर वार्ड में पार्षद के विजय जुलूस में कथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा व पूर्व पार्षद छोटेलाल चौधरी ने समर्थकों के साथ छावनी थाना पहुंचकर पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह से आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को पूछताछ की। जीपी सिंह ने टीम के सदस्यों के सवालों का जवाब नहीं दिया। ब्यूरो के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने जीपी सिंह से आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ कर जमीन और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया।